को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बताने वाली हूँ, और मेरे पापा ने इसे शॉप से लाया है, और ये मेरा वीडियो रूम है जहाँ पे मैं सारे वीडियोस बनाती हूँ, और कभी कभी मैं दूसरे रूम्स में भी बना लेती हूँ वीडियो। तो इसमें फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल्स मिक्स है। तो मैं आप लोगों को इसे खोल के दिखाती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब मैं इन्हें निकालती हूँ। उफ, एक तो नीचे गिर गया। ओ, ये तो नाइफ है। वो ये है जिसमें हम रख के काट सकते हैं सब्जी और फल को। इसमें तो एक नाइफ भी है, और ये चॉपिंग बोर्ड। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सारे के सारे मिक्स हैं। तो मैं इन्हें अलग कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी, मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग कर लिया है। तो अब हम इन्हें काटेंगे और इनके नाम भी सीखेंगे। ये है एक मशरूम, कहाँ के ले जाना है। और ये है एक लेमन, और ये है ब्रिंजल, और ये है रेड चिली, ग्रीन पेपर, और ये है ऑनियन, और ये है टोमेटो, ये है, और ये है ब्रोकली। तो ये है आखिरी वेजिटेबल जो कि है बिटर मेलन, और ये है ऑरेंज, और ये है वाटर मेलन, ये है स्ट्रॉबेरी, और ये है ग्रेप्स, और ये है कीवी फ्रूट। तो मैं आप लोगों को सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काट के दिखाऊंगी। पहले मैं फ्रूट्स को काटूंगी, पहले इस ऑरेंज को, ये इसमें तो बहुत आकर रखते हैं, ये कर दिया। आप देख सकते हैं इस ऑरेंज के अंदर का कुछ ऐसा दिखता है हिस्सा। पर अब आइए वाटरमेलन है, भी बहुत आकर्षक, और ये वाटर मेलन भी आप अंदर से देख सकते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी, कटी नहीं जाती तो ऐसा स्ट्रॉबेरी है।
ये कट गया। स्ट्रॉबेरी के अंदर का ये बस रेड ही रेड है, और ये है कीवी। तो ये कट गया, ये सबसे जल्दी कट है। और इसके अंदर का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, और ये है ग्रेप्स। अब मैं इसे काटूंगी लार्ज फ्रूट। ये इसके अंदर का भी सिर्फ पर्पल पर्पल है। अब है वेजिटेबल्स की बारी। लेमन, ये कर गया। आपने लेमन को तो देखा ही होगा, और ये है जिंजर जो कि बाजार में मिलते हैं। ये सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शॉप में भी मिल जाएंगे आपको, या फिर ठेले में भी। ये मशरूम अंदर से इस तरह कर, और ये चिली, रेड चिली। मैं रेड चिली खाती है, उसमें बहुत मिर्ची होता है। तो अब इसे काटते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों मैंने इसे काट चुका है। अगर आप कभी भी रेड चिली काटें तो सावधानी से काटें, ताकि आपके नाक कान मुंह में ना जाए और आंख में भी नहीं। इसे बहुत तेज मिर्ची निकलती है। और ये है ग्रीन पेपर, देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह का है। और ये है ऑनियन, जिसे मैं काटने जा रही हूँ। और इसे काटते वक्त आपके आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं कभी कभार के लिए। और ये है ब्रोकली, और ये है बैटल मेलन, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। देख सकते हैं अंदर से ऐसा दिखता है ये। और ये लास्ट वेजिटेबल टोमेटो, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसकी सब्जी भी पसंद है, और मैं इसे कभी कभार कच्चा भी खा लेती थी। तो दोस्तों मैंने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट कर चुका है। तो ये खिलौने वाले हैं, तो फिर आपके आगे चीली का मिर्ची नहीं आ जाएगा, और आपकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेगा इस प्याज से। तो के लिए वो है, आप चाकू से ना खेलें, नहीं तो आप आपको लग सकती है। अगर बच्चे चाकू से खेलेंगे तो उनके हाथ कट सकते हैं और खून भी निकल सकता है। ये तो एक, आप सोच रहे होंगे कि मैं चाकू से खेल रही हूँ, क्योंकि एक खिलौने वाला चाकू है, इसमें जरा भी धार नहीं है। ये तो मेरे कपड़े में चिपक गया मतलब जैकेट में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले सारे वीडियोस को देख सकें और चैनल को भी। ओके बाय दोस्तों, तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।